दैनिक संस्कार में आज कौन सी कहानी है? कर्तव्य। कर्तव्य है ना जी। एक बार एक साधु महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे जी। ठीक है जी। तो उसके बाद स्नान करते करते उन्होंने देखा कि एक बिच्छू जो है वो पानी में डूबने लगा जी। ठीक है जी। जब बिच्छू पानी में डूबने लगा तो उन्होंने सोचा कि बिच्छू की जान बचाएं जी। और उन्होंने बिच्छू को ऐसे पकड़ के निकालने लगे पानी से बाहर। ठीक है जी। तो बिच्छू बार बार उनके टंक मारे लेकिन उन्होंने उसे छोड़ा नहीं जी। फिर उसको निकालने की कोशिश करें फिर डंक मारे लेकिन उसको छोड़ा नहीं जी। उसने 8-10 बार उनको डंक मारा। उसके बाद आखिरी में महात्मा ने बिच्छू को निकाल के बाहर पानी के रख दिया जी। तो बगल में खड़ा हुआ महात्मा जी का शिष्य देख रहा था। उसने कहा महात्मा जी आप ये क्या कर रहे हैं जी। आप उसको पानी से निकाल रहे हो वो आपको डंक मार रहा है ना जी। उसके बाद भी उसको आपने निकाला जी। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो जब छोटा सा जीव बिच्छू उसने अपने कार को करना बंद नहीं किया मतलब बिच्छू का काम ही होता डंक मारना जी। उसने अपने कार को करना बंद नहीं किया तो मैं तो मनुष्य हूँ। मनुष्य जो है जितनी योनियां हैं जितने जन्म होते हैं उसमें सबसे बड़ा जन्म जो अच्छा जन्म माना जाता है वो मनुष्य का है। इसलिए मनुष्य का एक कर्तव्य है ना कि हम दूसरों की रक्षा करें। बहुत मुश्किल की बात कोई इंसान के रूप में जन्म लेता है इसलिए मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। ठीक है तो हम लोग को इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चाहे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आए लेकिन हमको अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। ठीक है जी।